बात यह है कि आखिर आईपीएस प्राची सिंह पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे। मृतक सचिवालय कर्मी के परिजनों की यह मांग है कि एफआईआर दर्ज की जाए। परिजन तहरीर लेकर अलीगंज थाने भी पहुंचे थे। सचिवालय कर्मी ने कल आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में प्राची सिंह को जिम्मेदार ठहराया था और ये कहा था कि सेक्स रैकेट में फंसाने का वो यहाँ पर आरोप लगाया था उसने, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। तो सवाल यही है कि आखिर आईपीएस प्राची सिंह पर एक्शन कब होगा। जिस तरह से सचिवालय कर्मी ने सुसाइड किया था, उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे जबरन फंसाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बहुत लोग निर्दोष हैं, बहुत लोग निर्दोष हैं, जिसमें कि एक मेरा भाई भी था, उसने लिखा मम्मी हम गलत नहीं थे, उसने लिखा हम गलत नहीं थे। आप क्या चाहती हैं अभी, आप क्या चाहती हैं? सीबीआई जांच हो इसकी, जो भी वहाँ कुछ हुआ है सीबीआई जांच हो बस। और सबसे पहले बढ़ते आगे बहराइच से अगली खबर है, जहां पर